आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें टॉप नाइन में। चीन ने एक बार फिर उकसावे की कार्रवाई की है। खबर है कि चीन के 17 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए। ताइवान में अमेरिकी डेलीगेशन के जाने से बौखलाए चीन ने अग्रेसिव रुख अख्तियार कर लिया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद भी चीन ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। चीन की घेराबंदी के बीच ताइवान के आसमान में अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक्शन में दिखाई दिए। ताइवान के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने डमी ठिकानों पर गोलीबारी की। इस वॉर रिहर्सल के दरमियान डमी ठिकाने धुआं धुआं नजर आए। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए का वीडियो जारी किया है। वीडियो में ईस्टर्न थिएटर कमांड के स्किल्स को दिखाया गया है। समंदर से लेकर आसमान तक चीनी सेना की ताकत को एक गाने के जरिए पेश किया गया। येलो सी में चीन की नौसेना जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रही है। चाइनीज नेवी अगले दो दिनों तक ये जंगी अभ्यास जारी रखेगी। चीन ने इस इलाके में दूसरे देशों के जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी है। अमेरिका को बड़ी चुनौती देते हुए रूस घातक सबमरीन तैयार कर रहा है। रूस के ब्यूरो रूबिन ने बैलिस्टिक सबमरीन की तस्वीर जारी की है। ये स्टील्थ सबमरीन एक साथ 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग सकता है। जापान के घातक सरफेस टू शिप मिसाइल की तस्वीरें सामने आई हैं। ये मिसाइल टाइप 12 SSM का सबसे आधुनिक वर्जन है, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से बढ़कर 1200 किलोमीटर हो चुकी है। साउथ चाइना सी में मौजूदगी दर्ज कराने के बाद अब ब्रिटेन का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ पोर्टसमाउथ वापस पहुंच गया है। इस कैरियर पर एक साथ 60 लड़ाकू विमानों को कैरी किया जा सकता है। उत्तर कोरिया को चुनौती देते हुए दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। ये वॉर ड्रिल 22 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगी। रियल कॉम्बैट ड्रिल में दोनों देशों के लड़ाकू विमान, वॉरशिप और हजारों सैनिक हिस्सा लेंगे। प्रशांत महासागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया का संयुक्त युद्धाभ्यास खत्म हो गया है। पैसिफिक ड्रैगन ड्रिल में एयर एंड मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया।